दैनिक समाचार पत्र के एक पत्रकार द्वारा कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी के बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों संबंधी छपी खबर के बाद सांसद सैनी के समर्थकों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। आज प्रदेश में कई जगह जहां सांसद समर्थकों ने अखबार की प्रतियां फूंक कर अपना रोष जाहिर किया, वहीं रादौर में भी सैनी समाज व बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाते हुए बिना तथ्यों के आधार पर झूठी खबर छापने वाले अखबार के पत्रकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर डीएसपी रादौर को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों से बातचीत में भाजपा मंडल महामंत्री धनपत सैनी ने कहा कि झूठी खबर प्रकाशित कर सांसद सैनी की छवि को धूमिल करने की साजिश की गई है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित अखबार के पत्रकार ने बिना सांसद का पक्ष छापे एक तरफा खबर प्रकाशित की है। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष भी सांसद सैनी की लोकप्रियता से घबरा कर उनकी छवि खराब करने में लगा है, ताकि इससे बीजेपी को नुकसान हो। कल पंजाब केसरी अखबार में माननीय सांसद नायब सैनी जी की फोटो के साथ एक समाचार ऐसा आया कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में जाने की तैयारी में है, लेकिन इसका माननीय सांसद जी ने तुरंत खंडन भी किया और सभी विधानसभाओं में अपने सैनी समाज की तरफ से और अन्य जो अपनी भारतीय जनता पार्टी है उसकी तरफ से भी ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि जिस पत्रकार ने ऐसी खबर लगाई है उसके खिलाफ ठोस और कानूनी कार्रवाई की जाए। जी, मैं बिल्कुल कहूँगा कि इसमें विपक्ष का पूरा हाथ है, क्योंकि विपक्ष जो है वो माननीय सांसद जी की छवि खराब करने में लगा है, क्योंकि उनको पता है कि उभरता नेता जो है वो नायब सिंह सैनी है, अगर उसकी छवि खराब की जाए तो इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुँचाने की बात है। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।